मुदित मनसि कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मनसि कहो राम 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 श्री राम 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 पाप घटे दुख मिटे लेके राम नाम भव समुद्र सुखद नावे क राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम संतर गय सदा वसत एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 पाप घटे दुख मिटे लेके राम नाम भव समुद्र सुख धनाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम संतर गय सदा वसत एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए भगवान नाम स्मरण से प्रारंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं और उनको गंगा के पार जाना है। वहाँ पर एक ही नाव है, एक ही केवट है। केवट भगवान का बड़ा भक्त है और भगवान से विनती करता है कि जब तक आपके पैरों की धूल में पूरी तरह स्वच्छ न कर सकूं तब तक आपको मैं नाव पर चढ़ा नहीं सकता। थोड़ा वो भगवान के साथ हट करता है, पहले तो आता ही नहीं है। कलम ने देखा, उसने निषाद राज से ऐसा वर मांग लिया था कि और कोई उस दिन गंगा के घाट पर होना ही नहीं चाहिए। और निषाद राज को कहा था आप भी वहां रहोगे लेकिन बोलोगे कुछ नहीं, मौन व्रत, केवल साक्षीवत रहोगे। तो उसने सारी अरेंजमेंट कर ली थी, सारी योजना बना ली थी। अब देखिए, ये केवट की भक्ति है, केवट का प्रेम है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से होती है। कोई भगवान के गुणगान करके भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट करता है, कोई पूजा करके, कोई सेवा करके, कोई ध्यान करके। प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार अनेक हो सकते हैं। यहां पर वो भगवान के साथ थोड़ा विनोद करता है, ये भी प्रेम ही है। देखिए, भक्ति में तीन चीजें होती हैं, मुख्य तो है प्रेम, अहेतुकी प्रेम, बिना किसी कारण से जो प्रेम होता है भगवान के लिए वो है भक्ति। प्रेम के साथ एक और भावना जुड़ी हुई है, वो है श्रद्धा। भगवान के अस्तित्व में विश्वास होना, भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए है, ऐसी भावना होना, यह है श्रद्धा। हम पूरी तरह उनको जानते नहीं हैं लेकिन उनका अस्तित्व है, शास्त्रों से प्रमाणित है, संतों के अनुभव से प्रमाणित है। तो इन सब चीजों को लेके मन में एक भरोसा होता है, उसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धत्ते इति श्रद्धा, ऐसा कहा, सत्य को जो धारण करे वो है श्रद्धा।
सत्य तक जो ले जाए वो है श्रद्धा। हम लोग श्रद्धा भक्ति दोनों शब्द एक साथ ही बोलते हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। जब श्रद्धा होगी तो अपने आप ही प्रेम आएगा। जिसके प्रति विश्वास ही नहीं है, जिसमें हमारा भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों है। और तीसरी चीज आदर। भगवान की भगवत्ता को वो प्रणाम करता है, बोले इसके ऊपर कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इसलिए बार बार नमस्कार करता है, यह है आदर। गीता में भी अर्जुन ने भगवान की जब महिमा देखी तो वो कहता है कि ऐसा कौन है जो आपको नमस्कार करेगा नहीं। जब महिमा को देखेगा तो अपने आप ही झुकने का मन होता है। तो जो एक भक्त होता है वो भगवान की शक्ति को जानता है, लेकिन साथ ही भगवान की कोमलता को भी जानता है, उनके कोमल स्वभाव को। तो वो प्रेम भी करता है, आदर भी देता है। कई बार क्या होता है, हम कई लोगों को आदर तो देते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता मन में। और चूंकि व्यक्ति बड़ा है, बड़े पद पर है, बहुत पैसे वाला है, इसलिए आदर। और आदर में थोड़ा भय भी होता है, आदर में थोड़ा डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। लेकिन प्रेम, जब आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसमें फिर फॉर्मेलिटीज नहीं रहती, ज़्यादा औपचारिकता नहीं होती। अब यहाँ आप देखते हैं ना, केवट कैसे बोल रहा है, मुंबई की भाषा में बिंदास बोल रहा है वो, कि आपके चरण धूलि में तो क्या है, जादू है, रिस्की है आपको चढ़ाना। तो यह है निश्चल प्रेम। तीनों का कॉम्बिनेशन है भक्ति है। अब देखिए, केवट भगवान के ऐश्वर्य को भी जानता है, इसीलिए तो वो चाहता है कि भगवान हमारे नौका में ही चढ़े, क्योंकि सृष्टि का नायक है वो, सृष्टि का कर्ता धरता है। तो ये भावना उसको बिल्कुल पक्की है, उसके मन में ज्ञान है उसको। और भक्ति के बारे में ये कहा कि जब बड़े से प्रेम होता है तो भक्ति की संज्ञा उस प्रेम को प्राप्त होती है। प्रेम तो कई लोगों से हम करते हैं, सामान्य लोगों से भी प्रेम करते हैं, नीचे जो लोग हैं, नीचे मतलब सामान्य वस्तु, उसको से भी प्रेम करते हैं, पशु पक्षी से भी प्रेम करते हैं। तो भक्ति कब कहलाती है, वो प्रीति जब आप किसी बड़े से प्रेम करें। इसलिए राष्ट्र भक्ति हम बोलते हैं, राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं, गुरु से प्रेम कर रहे हैं, गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ये आपने पहले भी कई बार सुना होगा। यही प्रेम जब निम्न वस्तु में होता है, धन में, घर में, शूद्र चीजों में होता है, तो उसको बोलते हैं आसक्ति। अरे बोले धनासक्त है, कभी कोई ऐसा बोलता है क्या, ये धन भक्त है, गृह भक्त है, बोले बहुत अटैच्ड है, घर से आसक्त है घर में। भावना एक ही है प्रेम, लेकिन उसकी दिशा जब नीचे की ओर होती है तो वो आसक्ति बन जाती है, जब ऊपर की ओर चलती है तो भक्ति बन जाती है। जैसे एक ही पानी होता है, उसके कितने नाम होते हैं, बहता हुआ पानी नदी है, ठहरा हुआ पानी तालाब है, ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वर्षा हो जाती है, नीचे से जब ऊपर उठता है तो फव्वारा कहलाता है ना, पानी एक ही है। ऐसे प्रेम एक ही है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस दिशा में बह रहा है,
इसके ऊपर निर्भर है कि वह प्रेम वर्णीय है, पूजनीय है या निंदनीय है। तो यहां पर ये केवट के मन में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर सब कुछ है और भगवान से थोड़ी मजाक विनोद करके वो भगवान के चरण को धोना चाहता है। ऐसा कहते हैं महात्मा लोग, कथा कहते हैं कि यह जो केवट है इसको आखिर इतनी भक्ति कैसे मिली। भगवान एकदम इसके सामने मानो कि समर्पित उन्होंने कर दिया, बोले तुमको जो करना हो कि। तो ऐसे कैसे हुआ? तो कहते हैं ये केवट पहले के जन्म में, ऐसी कथा है संतों लोगों से सुनिए कि क्षीर सागर में ये एक मेंढक था, मेंढक, और वो भगवान के पास आना चाहता था, भगवान को छूना चाहता था, भगवान के निकट रहना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी जी हाँ वो दूर कर देती थी। लक्ष्मण जी शेष भगवान के रूप में थे, वो भी दूर कर देते थे उसको। लेकिन इसके मन में बहुत एक जेन्युइन भक्ति कहते ना, प्रामाणिक भक्ति, ईमानदारी से वो भक्त बनना चाहता था, सेवा करना चाहता था। भगवान ने कहा ठीक है, इस जन्म में तो संभव नहीं, आगे के जन्मों में जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम आपको जरूर दर्शन देंगे और सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। तो इसीलिए देखिए वो जो केवट है आज भगवान के साथ संवाद कर रहा है और भगवान से आग्रह कर रहा है कि आप अपने चरण हमको दीजिए। बल्कि कल हमने देखा वो कहता है भगवान को कि आप मुझको आज्ञा दीजिए कि हे केवट मेरे पैर धो। भगवान मुस्कुराते हैं और देखिए क्या बोलते हैं। 102 के बाद आप देखिए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नावन जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंबु उतार ही पारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जगु किय तिहु पगहुते थोरा, पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मति करषि, केवट राम रजाय सुपावाम, पानी कठवताम भरि लेयावा, अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वर शिशु मन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जलु पान करी, आपु सहित परिवार पितर पारु करी, प्रभु ही पुनी मुदित गयउले पार, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोलते हैं। वाग विदाम वर भगवान के लिए ऐसा कहा गया कि बोलने की कला जानने में जो कुशल है
किस तरह से बोलना चाहिए जिनको आता है, वो है श्री रामचंद्र जी। इसलिए उनके बोलने में एक तो आनंद है और दूसरी कृपा है, उनकी वाणी में कृपा झलक रही है। इसलिए यहां शब्द लिखा है कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है, मतलब जिनकी कृपा कभी खत्म होती नहीं। समुद्र का पानी अपार अगाध। सामान्य जीव जब किसी पर कृपा करता है तो उसकी तो एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, ज्यादा कृपा कर नहीं सकता। वो कहता है इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बोलता है ना स्वामी। लेकिन भगवान की कृपा कभी समाप्त होती नहीं, अनादि काल से भगवान कृपा करते आ रहे हैं, अनंत काल तक उनकी कृपा चलती रहेगी। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि गुण अनंता, हरि कृपा अनंता। उपनिषद भी कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सभी दृष्टि से अनंत है वो। और यदि हम अपने जीवन को देखें तो हर क्षण ही उनकी कृपा हो रही है, बिना कृपा के एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते, श्वास नहीं ले सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अरे भाई कृपा किसको कहते हैं? जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है, जिसका श्रेय हम ले नहीं सकते, तब मानना पड़ता है कि ये कृपा है। अब हवा हमने नहीं बनाई, सूरज हमने नहीं बनाया, जो बेसिक चीजें हैं जीने के लिए आवश्यक है, बताइए उस पर अपना कितना अधिकार है? क्या उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं क्या? इसलिए वो अखंडानंद जी महाराज कहते थे, किसी ने कहा हमको कृपा की जरूरत है, कैसे भगवान की कृपा होगी? उन्होंने कहा मुझको ये बताओ, ऐसा कौन है जिस पर कृपा हुई नहीं है? हर घटना में उनकी कृपा है, केवल बस पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, दैट्स ऑल। उनको आके कृपा करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी है। इसलिए कृपा सिंधु। अब भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव उड़ न जाए, नष्ट न हो जाए। तुम चाहते हो ना ये धूल जो है वो बिल्कुल एक भी धूल न रहे, तो जाओ बेगी आन जल पाए पखारू, जल्दी जाओ और पाए पखारू, पाद प्रक्षालन करो। हो तो विलंब उतार ही पारू, भगवान कहते जल्दी करो नहीं तो विलंब हो रहा है, मुझको देर हो रही है। केवट फिर मजाक करता है, केवट कहता है आपको जल्दी क्या है, अब 14 साल तो इधर जंगल में ही आपको बस विचरण करना है, रहना है, आपको कोई ऑफिस में तो जाना नहीं है, कोई राजमहल में जाना तो नहीं है कि कोई राज्य का कोई काम करना है। आप 14 वर्ष ठीक है, हमको जितना सानिध्य मिलेगा हम आपके साथ रहेंगे, जल्दी क्या है? ये देखिए जब प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो इस तरह की बात संभव है। जहां अपनापन होता है ना, जहां मालूम है कि सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी बोल सकता है फ्रीली, लेकिन मालूम है कि ये व्यक्ति तो बहुत माइंड करता है ना, अंग्रेजी में ये मन में रखेगा, तो उसके साथ में बहुत संभल संभल के बोलना पड़ता है। अब फिर भी कुछ ना कुछ चूक हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है। आजकल सारे संबंध बहुत ज्यादा औपचारिक होते चले जा रहे हैं, औपचारिकता में वो कोई रस नहीं होता, शुष्क होता है, सूखा संबंध, मतलब बहुत ही कॉन्शियस होके ही बोलना पड़ता है।
लेकिन जहाँ मालूम है कि सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, तो यदि कुछ शब्द ऐसे भी निकल जाए तो उस पर उसको डर नहीं लगता। तो भगवान को कहता आपको देर क्या है, आपको तो यहीं रहना है। भगवान मुस्कुराते हैं और यहाँ एक बहुत सुंदर एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। देखिए कैसी विलक्षण बात है, तुलसीदास जी इस घटना को देख रहे हैं कि भगवान जो है विनती कर रहे हैं कि भाई जल्दी करो मुझको उस पार ले जाओ। बोले जिसके एक नाम से, एक बार नाम लेने से भवसागर व्यक्ति पार कर जाता है, वो आज कैसे निहोरा, कैसी आचरा कर रहा है, ये अद्भुत है, ये लीला है, कौतुक है। उतर ही नर भव सिंधु अपार, ये संसार को कहा है भवसागर, और ये भवसागर से पार जाना बड़ा कठिन है। ये संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है, क्यों मालूम है? क्योंकि जैसे संसार का किनारा दिखता नहीं है, समुद्र का भी किनारा दिखता नहीं है। अच्छा, समुद्र जो है उसमें अनंत लहरें उठती रहती, कौन सी लहर कब आएगी कुछ पता आता नहीं है। ऐसे अपने जीवन में भी देखिए, कब कौन सी परिस्थिति आएगी मालूम नहीं, कौन सी एक लहर आके धक्का देगी, और सब बना बनाया काम जो है बिगड़ सकता है। फिर ये समुद्र दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पास में यदि इसका आप स्वाद चखो तो कैसा है, खारा, बिल्कुल आप पी नहीं सकते। ये संसार भी ऐसा ही है, दूर से अच्छा लगता है, ज्यादा निकट जाएंगे तो सारी चीजें सामने आने लगती है। जब आप किसी पूछते हो कैसे हो आप, तो क्या बोलता है, हाँ बहुत अच्छे हैं, ठीक। लेकिन जरा उससे और सामने वाला कहेगा कि अच्छा मैं बताता हूँ मैं कैसा हूँ, और सारी अपनी दुखद कहानी बताने शुरू कर देगा। हम लोग केवल औपचारिक बोलते कैसे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक कैसे हैं, एक से एक ने पूछा, बोले बताता हूँ बैठो, और जो उसने शुरू किया उसके बाद कभी इसने पूछा नहीं कैसे। कहने का अर्थ क्या है, ऊपरी ऊपरी ढंग से सब चीज ठीक लगती है, लेकिन दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ऐसे सारे विशेषण दिए गए हैं संसार। अच्छा, इस संसार को भव सागर क्यों कहा, भव क्यों कहा, भव मतलब होता है बनना, होना। दुनिया में सतत हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहते हैं, कुछ भी बन जाते हैं वहाँ से और नई चीज़ दिखती है, नहीं वो मिलेगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा। इस तरह ये बनने की वृत्ति का कोई अंत दिखता नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सागर की तरह है भव सिंधु। बोले अब इस भव वृत्ति को यदि हटाना हो तो आप क्या कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान के नाम स्मरण से। यहाँ लिखते हैं कि व्यक्ति इस वृत्ति को पार कर जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा कि कुछ बनने के लिए शेष रहेगा नहीं। इसलिए लिखते हैं कि जासु नाम सुमिरित एक बार, आओ एक बार आप स्मरण कीजिए। यहाँ अब कई लोगों को लगेगा यह अतिशयोक्ति है, एक बार स्मरण करने से कैसे हम पार जा सकते हैं, तो एक बार का मतलब है एक बार निश्चय पक्का हो जाए बस कि भगवत भक्ति में ही हमारा लाभ है। हमारा निश्चय ही डगमग डगमग होता है ना, भरोसा पक्का होता नहीं। एक बार नाम लेना मतलब एक बार पूरा निश्चय हो जाना, फिर आप नाम लीजिए। भजगोविंदम में भी शंकराचार्य ले कहते हैं ये सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा,
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा सकृदपि। एक बार 100% निष्ठा 100% श्रद्धा रख के आप जो भी कुछ करेंगे भगवान उससे प्रसन्न होके हमको आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं। अच्छा अब कहते हैं वह केवट जो है वो लेके आता है, एक कठौता लेके आता है, लकड़ी की एक परात, और केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। पानी लेके आया है गंगा जी का और भगवान को कहता है भगवान अब आप इसमें चरण रखी, अब मैं आपके चरणों को अच्छे से क्या करूंगा, स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। भगवान कहते ठीक है, पैर रखा हुआ, देखो कैसा दृश्य है, एक परात जैसी एक लकड़ी की, पानी है उसमें, भगवान का पैर उसमें है, वो जो है भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहा है पानी से, गंगा जी से। अच्छा और भगवान को क्या कहता है, भगवान आप जरा पैर थोड़ा ऊपर कीजिए। बड़ा अच्छा संत लोग दृश्य खींचते हैं, भगवान को कहता है आप पैर ऊपर कीजिए जरा। भगवान ने कहा क्यों, बोले नहीं, बोले आपके पैर के तलवे में बिल्कुल एक भी धूल कण होनी चाहिए, तो वो साफ करना, इसलिए पैर ऊपर करो। भगवान ने कहा जैसा एक पैर में ऊपर करूंगा ऐसे लंगड़ी जैसे खड़े होते कि नहीं तो गिर जाऊंगा, एक पैर पे कैसे खड़े हो सकते हैं। वो केवट कहता है भगवान आप सहारा ले लीजिए, आधार ले लीजिए। बोले किसका आधार, बोले मेरे सिर का, आप अपना एक हाथ मेरे सिर पे रखिए उसका आधार लीजिए और फिर एक पैर ऊपर रख लीजिए, आराम से बैलेंस बन जाएगा। देखो कितना चतुर है, भगवान का हाथ अपने सिर पर रखवा लेता है। भगवान सब जानते हैं, बोले अच्छा चलो आज तुम्हारा दिन है, जो तुम कहोगे वही होने वाला है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, उसके सिर पे हाथ रखा है, आधार लिया उसके सिर। देखिए कैसी विलक्षण बात है, जो पूरे जगत को आधार देने वाला है वो आज एक मल्लाह का आधार लेके खड़ा है। इसलिए हमने कल कहा था भक्ति में ऐसी ऐसी चीजें संभव है, अद्भुत चीजें संभव है, असंभव चीज संभव है। तो वह जो है अभिषेक करता है और यहां लिखते हैं कि जब वो भगवान के चरणों को धो रहा है, ऊपर से स्वर्ग से देवता लोग इस दृश्य को देखते हैं कि गंगा जी का किनारा है और ये केवट है और भगवान ऐसे एक पैर पे खड़े हैं, तो अति आनंद। उसके पहले चौपा चौपाई है, जो गंगा जी है वो भी बड़ी मोहित हो जाती है, बोले अद्भुत बात है, जो मेरा कारण है, जहां से मैं प्रकट हुई हूं, पद नख निरखी देव सरी हर्षी सुनी प्रभु वचन मोहमति कर्षी। भगवान के जब वो स्थिति को देख रही थी ना कि भगवान कह रहे पार लगा दो पार लगा दो, तब ये गंगा जी को आश्चर्य हो रहा है कि बताइए जो मेरा कारण है वो इस केवट से कह रहा है कि प्लीज पार कराओ। उनको भी दो क्षण के लिए वो भ्रमित हो गई कि ये सामान्य कोई राजकुमार है कि भगवान है, मोहित हो गई वो। लेकिन जब निकट से देखा है और भगवान के चरणों के नख को देखा है, नख निरखी, बोले ये तो वही परमात्मा है, लीला कर रहा है, और ये जान के बड़ी हर्षित हुई। क्योंकि ऐसा कहते हैं जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो एक पैर ब्रह्मलोक में गया था, वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान की पाद पूजा की थी,
भगवान के चरणों का अभिषेक किया था, वही जल जो है वो गंगा जी के रूप में फिर पृथ्वी पे आया। तो गंगा जी को मालूम है कि मैं कहां से आई, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि अब वो तो आराम से पार कर सकते हैं, लेकिन वो लीला कर रहे हैं। ऊपर से स्वर्ग से देवता लोग देखते हैं तो अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार लागा। अत्यंत आनंद से जब ये धो रहा है तो वर्ष सुमन सुर सकल सियाई, ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं देवता और सब लोग, सारे देवता लोग कहते हैं अरे इससे बड़ा और कोई पुण्यशाली पुण्यात्मा होगा नहीं। बताइए जो सामान्य व्यक्ति है लेकिन उसके भीतर जो प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, छल नहीं, भगवान को आनंदित करने के लिए वो कर रहा है, तो बोले इससे बड़ा और पुण्य किसका होगा। अच्छा जब केवट भगवान के इस चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, इतना गदगद हो गया है, अति आनंद भाव विभोर हो गया है, उसका शरीर पुलकित हो गया है, इधर वो गंगा जी का जल से के जल से अभिषेक कर रहा है, इधर आनंद आश्रु उसके टप 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 गिर रहे हैं और रोमांचित होके वो पखारने लगा। कहते हैं इस तरह उसने भगवान के चरणों को धोया और इसका फल क्या हुआ, पद पखारि जल पानि कर आपु सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि मुदित गयउलि पार। उसने चरणोदक लिया, हम कहते हैं चरणोदक, मराठी में उसको कहते तीर्थ, तीर्थपान किया और इसका परिणाम क्या हुआ, बोले उसने अपने पितरों का उद्धार कर दिया, स्वयं का तो उद्धार किया ही साथ में अपने अनेक पीढ़ियों को भी इस भव सागर से पार करा दिया। तो ऐसी एक केवट की बहुत प्यारी भक्ति। अच्छा अब हम देखते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये पाद सेवनम भक्ति नवदा भक्ति में एक। अब जो है भगवान नाव के ऊपर आरूढ़ होते हैं और लक्ष्मण जी है, सीता जी है, निषाद राज है, अब वो नाव को चलाता है। अब लेकिन यहां पर भी संत लोग बड़ा दृश्य खींचते हैं, वो जो है घुमा रहा है भगवान को इधर से उधर इधर से उधर, पार जल्दी उतारता नहीं। भगवान ने कहा अरे बस बहुत हो गया, कितनी देर, मैं लेट हो रहा हूं, देर हो रही है। केवट ने कहा काहे कि अभी कहा ना आपको, विलंब क्या है, अब मैंने आपको क्या दी है, शरण दी है, आप मेरे क्या कहते हैं एकदम सामान्य भाषा बोलते मेरे इलाके में मेरे अधिकार के क्षेत्र में मेरी नाव में बैठे हैं, अब मैं जब चाहूंगा तभी आपको छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं हम तो बड़े फंस गए हैं लेकिन भगवान जानते हैं कि ये इसकी भक्ति है, पूरा लाभ लेना चाहता है। भगवान कहते हैं ठीक है, जब उसका मन भर गया तब कहते हैं उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। भगवान को नीचे उतारा है, वो गंगा जी के किनारे जो रेत है, बालू है, वहां पे भगवान नीचे खड़े होते हैं, साथ में सी राम गुह लखन समेता है, तीनों लोग सीता जी राम जी लक्ष्मण निषाद राज सब उतरते हैं और केवट तो दंडवत कर देते। अब जो दंडवत किया है भगवान अति प्रसन्न हुए, पूरा समर्पण उसने कर दिया। भगवान को थोड़ा संकोच होता है कि इसने अब पार तो कराया लेकिन मैंने अभी तक इसको कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ देना चाहिए। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। अब
केवट ने देखा कि भगवान को थोड़ा संकोच हो रहा है। केवट कहता है, महाराज मैं जानता हूँ आपके पास अभी कुछ नहीं है, तो आप ये कष्ट मत कीजिए। और दूसरी बात, मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं किराए के लिए तो आपको नाव में चढ़ा नहीं रहा हूँ, आप इसको अपने पास ही रखिए। लेकिन नहीं, भगवान का मन तो मानता नहीं। भगवान जो है देखते हैं सीता जी की ओर, तिरछी नजर, थोड़े से कान, एक इशारा करते हैं कि अपनी जो मुद्री का है ना वो दे दो, वो इसको दे देते हैं। पिय ही की सी जान निहारी, क्या सुंदर यहाँ पे वर्णन है। भगवान राम के मन में क्या है, कौन सी भावना है, क्या चाहते हैं, सीता जी समझ गए। राम जी ने बोला कुछ नहीं, केवल इशारे से। देखो दोनों का ट्यूनिंग ऐसा है, दोनों में समस्वरता समरसता ऐसा होना चाहिए दाम्पत्य जीवन, बिना बोले समझ जाए। जब मन मिले होते हैं तो ये होता है। तो मनि मुदरी मन मुदित उतारी, अपने मन से ही उन्होंने, देखो कैसा लिखा है, मुदित उदारी उतारी, वो मुद्रिका जो है रत्न जैसी अंगूठी वो उतारी। और कहे वो कृपाल ले उतराए, केवट ये लो ये उतराई लो। केवट कहने लगा नहीं नहीं, एकदम आकुल व्याकुल हो गया। बोले महाराज बिल्कुल नहीं, मैंने इसके लिए तो ये आपको नहीं पार की, ये एक शुद्र चीज मुझको नहीं चाहिए। आज मेरे मुझको क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा। बहुत ही सुंदर ये चौपाई है, इसका विश्लेषण हम कल देखेंगे। दो तीन चार चौपाई और बहुत ही सुंदर, जो हम सब लोगों को यहाँ पर सीखने वाली बातें हैं। इस केवट के, केवट की प्रतिक्रिया से जब भगवान उसको दे रहे हैं तो क्या वो बोलता है, बहुत ही सुंदर वो सारी चौपाइयाँ हैं। वो यहाँ कहता है नाथ, आप जगन्नाथ हो, आप पूरे जगत के स्वामी हो, आपने मुझको अब तक कितना दिया है मैं उसकी कोई गणना नहीं कर सकता, और आज तो जो चीज मुझको मिली है आप स्वयं मिले हैं, अब इससे और बड़ी चीज मैं क्या ले सकता। जैसे अपने वेदांतों में कहते हैं ना कि जिसको देखने के बाद और कुछ देखने के लिए शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता, वह वस्तु है परब्रह्म परमात्मा। उसकी प्राप्ति के लिए सारी चीजों की हम प्राप्ति करते रहते हैं, लेकिन जब वो मिल गया तो फिर बाकी क्या। जैसे गीता में लिखा, यावान अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। यदि किसी को नदी मिल गई, पानी का बहुत बड़ा स्रोत मिल गया, तो उसको छोटे छोटे बाल्टी भर पानी से क्या प्रयोजन, अब वो उस ओर देखेगा भी क्या, इतनी बड़ी चीज मिल गई। यहां केवट यही कहता है कि महाराज अब आप मिल गए, आपकी कृपा हो गई, आपने ये अवसर दिया सेवा करने का, बस मेरा मन भर गया। एक दो चीजें और बहुत ही अच्छी वो कहता है, अभी वो पूरी हो नहीं सकी, कल हम इसको पूर्ण करेंगे। और एक भजन भी है इस केवट के इस प्रसंग के ऊपर, उसको हम कल गाएंगे और इस प्रसंग की पूर्णा होती होगी। देखो एक केवट का प्रसंग है, बहुत छोटा लेकिन बड़ा मार्मिक है, बिल्कुल हृदय को छूने वाला है, हृदय स्पर्शी है।
इसे आप देखते हैं शबरी का भी प्रसंग बहुत छोटा सा है लेकिन भाव से भरा हुआ है। यहां पर भी वही बात, इतने प्रसंग में तो हो गया, तीन दोहों में है, 99, 100, 101, 102, लेकिन इसमें जो भक्ति उसकी प्रकट हुई है वो अद्भुत है। कल इसको हम पूर्ण करेंगे और आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राधा समेत श्री कृष्ण चंद्र बोल, राधा समेत श्री कृष्ण चंद्र बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।